आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक महिला ने अपनी 8 साल की मासूम बालिका के साथ एसएसपी से गुहार लगाते हुए बताया कि उसके पति से उसकी शादी 2023 में हुई थी। शादी के 8 साल बाद बच्ची सहित उसे घर से बाहर निकाल दिया है। जानकारी के अनुसार पूजा सोनी पत्नी राजू सोनी निवासी गुना चुंगी नाका ने आज एसएसपी को आवेदन देते हुए बताया कि उसकी शादी राजू सोनी से 24 फरवरी 2013 को गायत्री मंदिर फिजिकल से संपन्न हुई थी। शादी में दहेज का सामान भी दिया गया था, साथ ही नकदी 51,000 रुपये भी दिए गए थे। शादी के बाद से ही लगातार महिला को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। महिला ने बताया कि दहेज में कम सम्मान की कहकर उसके साथ मारपीट की जाने लगी एवं मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने लगे। इस बीच एक पुत्री को करिश्मा सोनी का जन्म हुआ जिसकी उम्र अभी 8 साल है और कक्षा 1 में पढ़ रही है। महिला ने बताया कि उसके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है। महिला ने बताया कि उसका पति शराब पीने का आदी है, शराब पीकर मारपीट करता है। 1 साल पहले महिला सहित मासूम बच्ची को ससुरालियों ने घर से भगा दिया था। महिला अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रही है। 1 साल से पति ने कोई खैर खबर नहीं ली है और ना ही भरण पोषण करने के लिए कोई राशि दी है। महिला ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा सोनी। कहाँ से आए हो? बटालियन से। क्या समस्या लेके कुछ नहीं, मेरा पति है वो हस्बैंड है, कुछ करता नहीं है। 9 साल शादी को हो गए सर। मेरी मतलब माँ बाप है वो है नहीं है, खत्म हो गए। तो मैं अपने कभी अंकल जी ने शादी करी है मेरे, कभी उनके यहाँ रहती हूँ, कभी अपनी दीदी के यहाँ चली जाती हूँ। तो ये परेशान कर रहा है मुझे, रहने नहीं दे रहा, तलाक देना नहीं चाहता, मुझे भरण पोषण देना नहीं चाहता। ऐसे मतलब कई आवेदन भी लगाया है मैंने कोर्ट में, कोई सुनवाई नहीं है वहाँ। कुछ नहीं करता सर, परेशान करता है घर में। पहले 9 साल से सर परेशान करता है, जीआई इसके दारू पीते हैं और अपने दोस्त यार को ले आता है घर में, 12-1 बजे तक उनको घर में रखता है। ये ससुराल पुरानी छुपरी की थी देहात थाने सर। कुछ नहीं, इसको बुलवाया करा और कुछ नहीं, इसको भिजा दिया। इसने कहीं मैं सुधर जाऊंगा ऐसा बोला इसने सर। 9 साल हो गए इसको। 9 साल हो गए। हाँ। आज आप यूनिवर्सिटी ऑफिस आई थी तो साहब ने क्या आपको लिया? साहब ने सर कुछ नहीं बोला, इससे बोला के वो थाने बुलवाएंगे इसको। सर मैं इसे तलाक लेना चाहती हूँ इससे, पर ये मुझसे बोल रहा है कि मैं इसको तलाक नहीं देना चाहता, ये मुझको पैसे भी देना नहीं चाहता।